हिमाचल स्टेट टैक्स ना देने के कारण पिछले लगभग 2.5 महीने में हिमाचल सीमा पर जिला बिलासपुर के स्वारघाट आरटीओ बैरियर पर 50 से ज्यादा वोल्वो बसों को बाउंड किया जा चुका है। जुर्माने के तौर पर लगभग 5,23,000 रुपए भी वसूले गए हैं, जबकि टैक्स के रूप में बसों और अन्य टैक्सी वाहनों से पिछले 2 महीने 15 दिनों में लगभग 55,54,000 रुपए वसूले गए हैं। वहीं आरटीओ बैरियर चेकिंग के दौरान पिछले दिनों दिल्ली से आई 3 प्राइवेट वोल्वो बसों को भी बाउंड कर 1,10,000 का जुर्माना किया गया। तो वहाँ कई बार बहुत सी गाड़ियों को फाइन किए, पिछले महीने भी 3-4 गाड़ियाँ अंदर की थी और अभी भी आज रात भी 3 गाड़ियाँ विदाउट टैक्स पकड़ी, तो उनको भी बहुत जुर्माना भी 1,10,000 रुपया किया हुआ है आज। अभी तो हमारे विभाग ने 1 हफ्ते के लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करने को कहा था, जो बोलेरो गाड़ी हायर की थी, और 1 हफ्ते की स्पेशल ड्राइव जो है वो आज समाप्त हुई और जैसे भी आगे आदेश हेड ऑफिस से होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इन सब के कारण ठंड के मौसम में हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुल्लू मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों का कहना है कि उनसे प्राइवेट वोल्वो बस वालों ने पूरा किराया लिया है और फिर उन्हें स्वारघाट बैरियर पर 5 से 6 घंटे ठंड में छोटे छोटे बच्चों और फैमिली के साथ परेशान होना पड़ता है। जब तक बस वाले जुर्माना और टैक्स नहीं देते हैं, बसें बाउंड रहती हैं और टैक्स और जुर्माना अदा करने के बाद बसों को छोड़ा जाता है। दिल्ली से मेटिन से बुक की थी ये प्राइवेट बस मैंने, और इस गाड़ी को स्वारघाट बैरियर पे आरटीओ ने पकड़ा इसको। तो क्या हुआ सर, इसमें इनके जब वेरीफाई किए, इनका मतलब देखा, इनके तो इनके कोई पेपर्स नहीं थे, स्टाम्प पे फर्जी पे बना रखे थे इन्होंने पहली बार, तो कोई इनसे इंश्योरेंस पेपर नहीं है। इन्होंने आरटीओ ने फाइन लगाया इनकी 50,000 रुपीज का, ये कवर अप नहीं कर पाया उस चीज़ को। तो गाड़ी 6 घंटे से यहाँ स्टॉप हो रखी है, फैमिलीज आ रखी हैं, बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, सब परेशान हो रखे हैं। हम 6 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, बहुत परेशान हो रखे हैं, और इंश्योरेंस के बिना आगे गाड़ी बढ़ नहीं सकती पहली बात तो, ये हमारे लिए इंश्योर्ड है पहली बात तो। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ये बहुत गलत किया है बस सर्विसेज ने, इनके ऊपर केस होना चाहिए, बहुत परेशान किया है इन लोगों को। और अभी हम लोग को 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे तक हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, परेशान हैं मेरे से बहुत सारे लोग हैं। और सेकेंडली सबसे अजीब बात ये कि यहाँ पे आके रुका, जो हम लोग दिल्ली से बस हम लोगों ने पकड़ी है और हम लोग यहाँ पे मेन करीबन 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ पे रुका है। चेकिंग अच्छी है, पुलिस ऑब्वियसली अपना काम कर रही है, बट इट्स जस्ट दैट कि यही काम अगर शायद 100-150 किलोमीटर पहले हो जाता तो हम लोग को थोड़ा सा ईज होती। ऐसे जंगल में हम लोग कहीं नहीं जा सकते, और अभी मेरे घर से फ़ोन भी नहीं आया, अगर घर पे फ़ोन आएगा जब मैं उनको बताऊंगा मैं 4 घंटे से यहाँ पे परेशान खड़ा हूँ, तो वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ऐसे जितने भी खड़े हैं वो भी जब घर पे बात करेंगे तो वो लोग भी परेशान होंगे। इट्स लाइक कि पुलिस की ऐसा गलती नहीं है, ऑब्वियसली वो भी नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि इस जो जितनी भी प्राइवेट बसेज चल रही हैं उनको ध्यान तो देना चाहिए, साथ साथ पुलिस को ये जो इन्होंने यहाँ पे नाकाबंदी करी है, ऐसी अगर वो पहले जो 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर उन्होंने चल के आए अगर उस बीच में कर लेते तो हम लोग को भी ईज होती और बाकी सारी चीज़ें भी होंगे। सब कुछ कर रही हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इस पर भी ध्यान दे सकते हैं, और बस यही है कि हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो आगे अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, आगे डर लगेगा भाई ऐसे आने में, पेपर ही देखेंगे भाई कि भाई पेपर दिखा दो पहले, अब ऑनलाइन बुकिंग में पेपर कैसे देख लेंगे, तो इट्स अ वेरी बिग इशू। इसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकली कर नहीं सकते, जो कर सकते ये लोग कर सकते हैं। गौरतलब है कि ये बसें सैलानियों को कुल्लू मनाली को लेकर जाती हैं और उनसे किराया भी पूरा लेती हैं, लेकिन स्टेट टैक्स नहीं भरती हैं।